गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड पे। अब डिमांड कैसे स्टार्ट होगी? जब मार्केट होगी, मार्केट में जब डिमांड होगी, कस्टमर्स अपना सामान बेचना चाहेंगे, कस्टमर्स जो अपना सामान वो ख़रीदना चाहेंगे और जो शॉपकीपर्स हैं वो बेचना चाहेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है? सबसे पहले, अ मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू डिटर्मिन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। इसका मतलब है मार्केट एक ऐसा मेथड है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं वो आपस में एक रिश्ता रखते हैं। जो बायर है वो चीज़ें बाय करता है और जो सेलर है वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। डिमांड साइड ऑफ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट रेफर्स टू ऑल इट्स कंज्यूमर्स एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे फॉर बाइंग अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड होती है मार्केट में वो डिपेंड किस पे करती है? कंज्यूमर्स पे, कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और उस प्रोडक्ट के लिए वो कितने पैसे देने के लिए विलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इज़ द डिज़ायर और वांट बैक्ड अप बाय मनी ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। अब डिमांड क्या है? वो एक डिज़ायर है हम और वांट है, जितने हमारे पास मनी है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें परचेज कर सकें। ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। अब ये जो डिमांड है ये प्राइस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड है क्या? ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये इधर डी एक्स इज डिमांड फंक्शन, एफ ये पी है, ये है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो, जैसे डिमांड तब कम होगी जब प्राइस ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि कोक है जो, अगर वो महंगी है तो उसको हम कम ख़रीदेंगे, अगर वही कोक हमें सस्ते में मिलेगी तो हम ज़्यादा ख़रीदेंगे। सेम इज़ द केस कि हम तभी उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है जब उसका प्राइस कम होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डिमांड है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब क्वांटिटी जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। अब क्या हो सकते हैं रीजंस इन्वर्स रिलेशनशिप के? फर्स्ट इज इनकम इफेक्ट। द डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी लीड्स टू एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बिकॉज ही हैज़ टू स्पेंड लेस टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स। द पार्ट ऑफ द मनी लेफ्ट कैन बी यूज फॉर बाइंग सम मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। अब इन्वर्स रिलेशनशिप का पहला इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट। अगर तो जो प्राइस है कॉमोडिटी की वो कम होगी तो इंसान की जो इनकम है वो थोड़ी सी बच जाएगी, उससे वो सेम प्रोडक्ट को एक क्वांटिटी और ले सकता है। फॉर एग्जांपल, सपोज द प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स फ्रॉम ₹100 पर डजन टू 50 पर डजन, देन विद द सेम अमाउंट ऑफ 100 यू कैन बाय वन मोर डजन, दैट इज 2 dozen एट 50। इसका मतलब है कि पहले जो आम थे वो ₹100 में मिल रहे थे, ठीक है, डजन, ठीक है, और अब क्या वो आधे रेट में हो गए, ₹50 में हो गए। तो क्या हुआ कि हम डबल द प्रोडक्ट, हम उतने ही प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर टेंड्स टू सब्स्टिट्यूट दैट कॉमोडिटी फॉर अदर कॉमोडिटी विच इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ उड़द फॉल्स, उड़द दाल होती है, इट विल यूज बाय सम पीपल इन द प्लेस ऑफ अदर पल्सेस, दस द डिमांड विल इंक्रीज। क्या है कि जब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो कम हो गया है, तो
जो कंज्यूमर है वो उसका सब्स्टिट्यूट ले लेता है जो थोड़ा ज़्यादा महंगा हो और अच्छी क्वालिटी में हो। नेक्स्ट इज अजम्पशन। हमने क्या अज्यूम करके चलना है लॉ ऑफ डिमांड में कि नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। हम ये सोच के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम चल रही है इनकम, ना कम हुई है ना ज़्यादा। नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो चेंज नहीं हुई है। नो चेंज इन फैशन। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होते हैं जो सेम तरीके के होते हैं, काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस। हम ये सोच के चलते हैं कि आगे फ्यूचर में प्राइस नहीं चेंज होने वाला, डिमांड नहीं चेंज होने वाली। अब आगे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू परचेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ईच प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वाइल होल्डिंग कॉन्स्टेंट ऑल अदर रेलिवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो क्या है, जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है वो एक इंडिविजुअल इंसान की परचेजिंग पावर के ऊपर देखता है कि वो गिवन पीरियड में कितनी जो प्रोडक्ट है उसको खरीद सकता है, बाकी सारे वेरिएबल कंपोनेंट्स को कांस्टेंट रख के। फॉर एग्जांपल ये देखो, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एक्स। पहले जब 80 रुपीज़ की थी जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमने दो क्वांटिटी मंगाई, ठीक है। एप्पल्स ही ले लेते हैं, जब 80 रुपीज़ के थे हमने 2 kg लिए, जब 70 के थे हमने 4 kg लिए, जब 60 के थे हमने 6 kg लिए, जब 50 रुपीज़ के हो गए तो हमने 10 kg लिए। तो आप देख रहे हो कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे प्राइस कम हो ही जा रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है, हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डेट ऑल इंडिविजुअल्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ईच प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वाइल होल्डिंग कॉन्स्टेंट ऑल अदर रेलिवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या होगा, ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल्स होंगे। पिछले वाले में एक ही इंसान था, इसमें ज़्यादा लोग होंगे। तो इसमें इंडिविजुअल्स हैं, जैसे प्राइस है 4321, इंडिविजुअल्स हैं ए बी सी। मार्केट डिमांड और टोटल क्वांटिटी और यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स डिमांडेड पर डे बाय इंडिविजुअल। जब तो प्राइस 4 था तो ए ने 1 kg मंगवाया, बी ने 1 kg मंगवाया, सी ने 3 kg मंगा लिया, ठीक है, अपनी अपनी उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी, 5। जब प्राइस और कम हो गया, 3 रुपीज़ हो गया, तो उन्होंने कितना मंगाया, 2 kg, बी ने 3, 5। ऐसे हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जो एक इंडिविजुअल इंसान की डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो जब सस्ता ही होगी चीज़। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, दोनों गर्म चीज़ें हैं, ये हमारी चॉइस है, हमने टी पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, ठीक है। अगर हमारी सैलरी कम है तो हम टी प्रेफर करेंगे क्योंकि टी सस्ती है, और अगर हमारी सैलरी थोड़ी ज़्यादा तो हम कॉफ़ी प्रेफर कर लेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर मुझे जूस पसंद है तो मैं जूस ही पीऊँगी, आई विल नॉट हैव टी और कॉफ़ी। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देख के हम प्रोडक्ट खरीदने चले जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस।
हम ये सोचते हैं कि मे बी फ्यूचर में प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो हम अभी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेके रख लेते हैं, महंगाई ना हो जाए। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर फ्यूचर में फ्लड्स आ गए या बारिश आ गई या ड्रॉट सूखा पड़ गया, तो क्या है हम पहले से ही जो प्रोडक्ट है उसको सेव करके प्रिजर्व करके स्टोर करके रख लेंगे, सो दैट उस टाइम पे जब महंगाई होगी तो हमें लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो आज हम यहीं तक करते हैं टॉपिक, बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। आई होप आपको समझ लगा हो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो।